नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ राकेश। बिहार में आज फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज अब तक कुल 26 नए कोरोना के मामले की पुष्टि हो गई है। पहले 12 नए मरीज बक्सर के नया भोजपुर इलाके से मिले, तो वहीं फिर 2 बेगूसराय, 2 रोहतास, 1 पटना, 5 पश्चिमी चंपारण और दरभंगा से 4 नए मरीज मिले हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 392 हो गई है। जानकारी के मुताबिक राहत बस इतनी है कि अब तक बक्सर और दरभंगा जिले में जितने भी केस मिले हैं, ये सभी एक ही मरीज के संक्रमित हुए हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण में भी आज 5 नए कोरोना के मामले मिल गए। वहीं मंगलवार को बिहार में कोरोना के 20 नए संक्रमित मरीज मिले थे, जिनमें से अधिकतर प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना में जहां मंगलवार को एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, वहीं कोरोना ने नए जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। सीतामढ़ी, अररिया, शेखपुरा जिले मंगलवार को पहली बार कोरोना की चपेट में आए हैं। मंगलवार को गोपालगंज के 6, कैमूर के 4, जहानाबाद के 3, मुंगेर के 2 और शेखपुरा, बक्सर, बांका, सीतामढ़ी व अररिया के एक एक मरीज मिले हैं। बिहार में अभी सिर्फ 10 जिले कोरोना से मुक्त हैं, तो वहीं 64 मरीज अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मुंगेर जिले के हैं, इनकी संख्या 92 है। अब तक सबसे ज्यादा मरीज सोमवार को मिले थे। एक दिन में कुल 69 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने का रिकॉर्ड हुआ है। इसके पूर्व 25 अप्रैल को बिहार में एक दिन में 56 संक्रमित मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों में ज्यादातर ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। जिलावार अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 5-5 मामले पटना, मधुबनी और औरंगाबाद जिले के हैं, बाकी अन्य जिलों से संबंधित हैं। उन्होंने ये भी कहा और ये भी बताया कि अभी तक राज्य में जो भी पॉजिटिव मिल रहे हैं, वे या तो किसी के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं या फिर क्लस्टर समूह में हुए हैं। उनके मुताबिक मुंगेर, सिवान और पटना जैसे जिलों में क्लस्टर से जुड़े मामले अधिक हैं, और इस तरह बिहार में कोरोना के जो कुल मामले हैं अब तक 392 हो चुके हैं, यानी कि 400 पहुंचने वाले हैं। फिलहाल लगातार स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और राज्य सरकार इस पर नजर बनाए रखे हुई है, और इसी के साथ साथ तमाम संक्रमित जो इलाके हैं उन पर भी नजर बना रखे कि किस तरह संक्रमण इलाके में किसी तरह कोई भी गतिविधि को अंजाम न दे, जिसके बाद संक्रमण जो है फैलने का डर हो। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।